What is up guys, DSTK here. Apple ने रिलीज किया है iPadOS and iOS 14.8. Basically ये है last update of the OS 14. इसके बाद अपन को देखने को मिलेंगे iPadOS and iOS 15. So as usual यहाँ पर personally हमने iPadOS and iOS 14.8 को use किया for more than 48 hours and then filming this video right now. तो बात करेंगे on the performance, नए features के बारे में, bug fixes, security updates, main battery life को लेके and finally क्या आपको update करना चाहिए या नहीं. So if you are new here, then please make sure to subscribe this channel and hit the bell icon to get this straight pop-up on every single new upload. So done? Alright then, let's just dive right in. So guys, finally date announced ho chuki hai for the public release of iPadOS and iOS 15, which is on the 20th of the September. So definitely you will get the video on the same day. Now guys, first baat karte hai iOS 14.8 ki. Timestamps are down in the description below. You can scroll in between to watch your favorite part. Jaise ki maine kaha, iOS 14.8 last update hai for the OS 14, but ye koi ek full-fledged software update nahi hai. Basically ye hai ek important security update. Agar apan sizing ki बात करें तो 391 MB की ये अपडेट है. परफॉर्मेंस को लेके कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है. iOS 14.7.1 में था, कोई यहां पर मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. ना तो आपको कोई फर्मवेयर अपडेट देखने को मिलेगा रिलेटेड टू कनेक्टिविटी ऑफ LTE, 5G या वाईफाई को लेके. अगर अपन बात करें नए फीचर्स को लेके तो एप्पल ने कोई भी नया फीचर्स मेंशन नहीं किया है इन दिस अपडेट ऑफ iOS 14.8. बट हां गाइस, यहां पर आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर कि अब आपको जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स आप इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपको iOS अपग्रेड नहीं करना होगा. बेसिकली अगर आप iOS 14.8 मींस कि iOS 14 से iOS 15 पर अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो नो इश्यू, अब आप सिर्फ फ्यूचर सिक्योरिटी अपडेट्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी विदाउट डायरेक्टली अपग्रेडिंग टू न्यू iOS. सो कूल राइट, इजंट इट? नो गॉड प्लीज नो. सो गाइस, बग फिक्सेस की बात करें, ग्रीन स्क्रीन टिंट इश्यू या ब्लूटूथ को लेके कि जब आप कोई भी कनेक्ट करते हैं आपके थर्ड पार्टी ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस तो वहाँ पर कुछ एक यूज़र्स को कनेक्टिविटी इश्यूज है, जबकि कुछ एक यूज़र को जब वो ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उनको जब वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं तो इन बिटवीन कुछ सेकंड के लिए ऑडियो लैग हो जाता है. सबको ये दिक्कत नहीं है बट ये चीज़ अभी भी फिक्स नहीं हुई है इन दिस अपडेट बिकॉज ये है एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट. अगर अपन बात करते हैं एप्पल ने क्या चीज़ फिक्स की है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, देन आपको पता होगा पेगासस वायरस को लेके कोर ग्राफिक्स के अंदर इंटीग्रेटेड पीडीएफ के अंदर मेलिशियस वायरस होते थे जो कि लीक करते थे आईफोन और आईपैड यूजर्स के प्रीसियस डेटा, तो वो सब यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है. एंड दिस सिटीजन लैब के रिपोर्ट में भी सेम प्रॉब्लम मेंशन था. ऑल्सो वेब किट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेलिशियस जो वेब कंटेंट के ऊपर आप गलती से विजिट या क्लिक कर देते हैं तो चांसेस है कि आपके जो डेटा है वो लीक हो सकते हैं. तो यहाँ पर ये चीज़ भी फिक्स कर दी गई है इन दी अपडेट ऑफ iOS 14.8. इन दी एंड नए फीचर्स वगैरह को ना देके एप्पल ने टोटली एक सिक्योरिटी अपडेट पुश किया है. सो गाइज, अभी तक आपने iOS 14.8 अपग्रेड नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए. अब मेन बात करते हैं बैटरी लाइफ को लेके क्या कुछ नए इंप्रूवमेंट्स है अपडेट के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू बैटरी एनालिटिक्स. तो जैसे ही अपडेट मैंने इंस्टॉल किया वैसे ही 100% तक मैंने चार्ज कर लिया आईफोन को एंड देन ऑल द वे डाउन उसको ड्रेन होने दिया. ऑल्सो बैटरी हेल्थ परसेंटेज भी ड्रॉप नहीं हुए इस बार बिकॉज इन एवरी सिंगल न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी चेक होती है. इवन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग अलर्ट आया है कि योर आईफोन हैज बीन यूज मोर देन यूजुअल सिंस अपग्रेडिंग iOS व्हिच मे अफेक्ट द बैटरी लाइफ. बेसिकली मैंने फुल लिमिट तक पुश किया है मेरा बैटरी यूजेज एज मच एज आई कैन. टू टेल यू इन डिटेल रिगार्डिंग बैटरी इंप्रूवमेंट्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 hour 36 minute का स्क्रीन ऑन टाइम एंड 38 minute का स्क्रीन ऑफ टाइम जो कि प्रीवियसली 5 to 6 hour का था. लास्ट 10 days की बात करें तो 5 hour 29 minute का मिल रहा था इन एवरेज यूज, तो यहाँ पर आपको 7 hour तक का मिल जाता है. तो मैं कहूँगा 1% का यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ बैटरी. बट यहाँ पर एप्पल ने हालांकि कुछ भी मेंशन नहीं किया कि उन्होंने कुछ बग फिक्सेस किए हैं बैटरी के अंदर. ऑल्सो जो भी यूजर्स को बैटरी हेल्थ परसेंटेज जो कि ड्रॉप हो रहे थे तो रिगार्डिंग दिस इश्यू ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. आई गारंटीड कि आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ परसेंटेज ड्रॉप नहीं होंगे. बेंचमार्क की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले का बेंचमार्क स्कोर किया है. आप देख सकते हैं 613,153 फन एंड आफ्टर अपग्रेडिंग टू iOS 14.8 स्कोर आप चेक कर सकते हैं 6,03,427 फन. ये जो मैंने जो बेंचमार्क टेस्ट किया है वो
किया है इन द एप्लीकेशन ऑफ अंतोदो। यहाँ पर स्लाइटली स्कोर कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ सीपीयू, जबकि जीपीयू के अंदर स्लाइटली अपन को ज़्यादा देखने को मिला है स्कोर। मे बी टेम्परेचर फैक्टर और बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटी वगैरह भी मैटर करता है, तो कंसिडरेबल है। अगर आप वन आफ्टर सेकेंड टाइम भी बेंचमार्क टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन iOS 14.8 मैं कहूँगा एवरीथिंग इज जस्ट ओके। सो नाउ गाइस बात करते हैं iPadOS 14.8 की, तो यहाँ पर भी ये कोई फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बेसिकली ये भी एक सिक्योरिटी अपडेट है। साइजिंग की बात करें 373 MB की अपडेट है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें OS के, तो यहाँ पर मुझे 1% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, बिकॉज प्रीवियसली iPadOS 14.7.1 के अंदर प्रो ऐप्स जैसे कि iMovie, Keynote, Procreate, LumaFusion वगैरह ऐप में एक इश्यू था कि इन बिटवीन वो क्रैश हो जाती थी। तो फिलहाल तो ये अपडेट में मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये फीचर्स की बात करें तो एप्पल ने कोई भी नए फीचर पोस्ट नहीं किए हैं, डायरेक्टली अब अपन को iPadOS 15 में ही देखने को मिलेंगे। बट हाँ गाइज, यहाँ पर आपको iPadOS 14 से आप अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते iPadOS 15 के ऊपर, तो एप्पल ने ऑप्शन दिया है कि आप iPadOS 14.8 में रह के विदाउट अपडेटिंग OS आपको फ्यूचर के सारे सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। तो जस्ट आपको सिक्योरिटी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स आपको उसके लिए iPadOS पूरा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ भी ऐड हो चुकी है iPad यूजर्स के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि सिक्योरिटी अपडेट किया है एप्पल ने, तो जैसे आईफोन अफेक्ट हुए थे पेगासस वायरस को लेके, तो iPad यूजर्स भी अफेक्ट ना हो और यूज़र का प्रीसियस डेटा लीक वगैरह ना हो, तो इसके रिगार्डिंग एप्पल ने सीरियस स्टेप्स यहाँ पर लिए हैं। बग फिक्सिस वगैरह की बात करें तो जिनको कनेक्टिविटी इश्यूज थे ब्लूटूथ डिवाइस को लेके, तो वो चीज़ यहाँ पर फिक्स नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पर फर्मवेयर रिलेटेड इश्यू नेक्स्ट मेजर अपडेट में ही फिक्स होंगे ऑन दी iPadOS 15, मे बी ऑन 20 ऑफ द सितंबर। लास्टली बात करते हैं बैटरी लाइफ को लेके, तो यहाँ पर भी सेम, जैसे ही मैंने iPadOS 14.8 इंस्टॉल कर लिया वैसे ही 100% मैंने बैटरी चार्ज कर ली एंड देन ऑल द वे डाउन ड्रेन होने दिया। तो यहाँ 7/59 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हैं, जो कि एक्जैक्टली सेम है iPadOS 14.7.1 से। वहाँ पर भी मुझे ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे का मिल जाता था। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, बट हाँ आपको इश्यू है ऑन द प्रीवियस iPadOS, तो आप अपडेट कर सकते हैं iPadOS 14.8 के ऊपर। अगर मैं बात करूँ लास्ट 10 डेज के एनालिटिक्स की, तो 5 hour 30 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिल रहा था ऑन एवरेज यूज़ के अंदर, और बैटरी 1 to 1.5 days तक चल जाती थी बड़े आराम से। और स्क्रीन ऑन टाइम भी आप देख सकते हैं 7 hour 34 मिनट का है। डिपेंडिंग अपॉन यूजेस बैटरी लाइफ बढ़िया है इन द लास्ट अपडेट ऑफ iPadOS 14.8। तो गाइज सब कुछ बढ़िया है, ओवरऑल रिव्यू मैंने दे दिया ऑन दी बोथ OS iPadOS 14.8 एंड iOS 14.8। अभी तक आपने अपडेट नहीं किया था, आप अभी ही अपडेट कर लीजिए एंड iPadOS एंड iOS 15 के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा लेटर दिस वीक। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।